भारत सदियों से कला की धरोहर कहलाता आया है। इस देश ने विश्व को ना जाने कितने कलाकार दिए हैं। इन्हीं छुपे सितारों में से एक थी अन्नपूर्णा देवी, जिनका असली नाम था रोशन आरा। अन्नपूर्णा देवी का जन्म उस्ताद अलाउद्दीन खान के घर में हुआ, जो भारत में सेनिया मेहर घराने के संस्थापक थे। उनके भाई अली अकबर खान भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सरोद वादक थे। यही कारण था कि संगीत उनकी रगों में भी बसता था। अन्नपूर्णा देवी की बड़ी बहन भी संगीत में उत्कृष्ट थी, लेकिन परिवार की रूढ़िवादी सोच के कारण उनका संगीत छुड़वा दिया गया। रोशन आरा अपने भाई को सरोद के अभ्यास में मदद करवाती थी, जिसका प्रशिक्षण उन्हें उनके पिता ने दिया। वे आशीष खान, सरोद और सितार वादक निखिल बनर्जी, बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की भी गुरु रही हैं। अन्नपूर्णा देवी मुंबई के आचार्य अलाउद्दीन संगीत मंडल की स्थापना में भी अग्रणी व्यक्ति रही हैं, जिनका योगदान अतुल्य है। उनके शिष्य उन्हें गुरु माँ कहकर बुलाते थे। अन्नपूर्णा देवी का विवाह सितार वादक रविशंकर से हुआ। विवाह के बाद अपने पति के मना करने पर वे सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर रहीं। वे मीडिया के सामने आने और सार्वजनिक चकाचौंध पाने से बचती रहीं। अपने दूसरे पति की मृत्यु के बाद अन्नपूर्णा देवी मुंबई में ही रहने लगी, लेकिन उन्होंने कभी कोई टेप रिकॉर्ड नहीं किया। अन्नपूर्णा देवी की कला का प्रदर्शन, जिसमें राग कौशी कनारा, मंच खमाज और पंडित रविशंकर के साथ युगल गायन में राग यमन गुप्त रूप से प्रसारित हुए। उन्हें 1977 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में डॉक्टरेट से नवाजा गया। कला से लैस और एक निपुण सितारा अन्नपूर्णा देवी ने 13 अक्टूबर 2018 को दुनिया को अलविदा कहा।